Now look, my dear friends, today I'm going to discuss about Christianity. In the previous video, we discussed about Buddhism. Okay, now you can see here, Christianity. Christianity is a religion founded by Jesus Christ. It has spread all over the world. Okay, Christianity ये जो religion है वो Jesus Christ ने found किया है और ये पूरे दुनिया में फैल चुका है. सेंट थॉमस वन ऑफ द 12 डिसिपल्स ऑफ क्राइस्ट, 12 डिसिपल में से एक कौन है, थॉमस, सेंट थॉमस केम टू केरला इन द फर्स्ट सेंचुरी में वो केरला में आया था. ओके, एंड सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा ही एस्टेब्लिश अ चर्च एट पलायूर इन त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट. उसने एक चर्च एस्टेब्लिश किया जो कि पलायूर त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट में है. इन 52 CE अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी देयर इज ओनली वन गॉड. और क्रिश्चियनिटी या बाइबल हमें क्या करता है कि एक ही गॉड है, एक ही भगवान है. ही इज द लविंग फादर ऑफ ऑल एंड इज ओमनीपोटेंट. वही एक पूरा पालनहार है, वही एक सभी का गॉड है. इट इज बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड. ऐसा माना जाता है कि ये जो जीसस क्राइस्ट है ये भगवान का बेटा है. हु केम टू द अर्थ फॉर द सेल्वेशन ऑफ मैनकाइंड, और लोगों का कल्याण करने के लिए वो इस अर्थ पर आया था. अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. क्रिश्चियनिटी ये कहते कि हम सारे भाई बहन हैं. ओके, वी शुड लव एवरी वन इंक्लूडिंग अवर एनिमीज. हमें सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, हम सबके साथ अच्छा ही रहना चाहिए. इतना ही नहीं कि हमारे दुश्मनों के साथ भी अच्छा बिहेव करना चाहिए. वी शुड फॉरगिव दोज हु एर और गो रॉन्ग. जो भूल चुके हैं, जिन्होंने गलती हुई है, उनको हमें माफ़ करना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए. द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी. बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है क्रिश्चियनिटी का. एंड देयर प्रेयर्स हाउस इज नोन एज चर्च. और जो प्रेयर हाउस होता है उनका, उसी को चर्च कहा जाता है. क्या कहा जाता है? प्रेयर हाउस को. नेक्स्ट वन वी हैव इस्लाम. इस्लाम इज मोनोथेसिस्टिक रिलीजन. ओके, मोनोथेसिस्टिक रिलीजन है ये भी. देर इज ओनली वन अल्लाह एंड मोहम्मद लाइक क्रिश्चियनिटी. उनका भी मानना क्या है कि एक ही दुनिया में एक ही भगवान है, अल्लाह एंड मोहम्मद. इट इज प्रॉफिट. द मैसेज ऑफ गॉड इज रिवील्ड थ्रू हिम इन द होली बुक ऑफ कुरान. जो भगवान का, जो अल्लाह का मैसेज जो है वो मोहम्मद पैगंबर ने क्या किया, लोगों तक पहुंचाया, जो कि कुरान लिखी गई उस पर, कुरान शरीफ. द वर्ड इस्लाम मीन्स पीस. ओके, इस्लाम का अर्थ क्या है? तो पीस है. पीस यानी क्या? शांतता. इट ऑल्सो मीन्स सरेंडर टू अल्लाह. ओके, मतलब शरण जाना, भगवान को शरण जाना, सरेंडर टू अल्लाह. द टीचिंग ऑफ इस्लाम इज दैट अल्लाह इज एटर्नल एब्सोल्यूट ऑल पावरफुल एंड मर्सीफुल. अल्लाह क्या है? वो पावरफुल है, मर्सीफुल है. ओके, द पर्पज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टू वर्शिप अल्लाह. और इंसान के जीने का मकसद ही क्या है, या इंसान के जीवन का अस्तित्व, या जिसे अस्तित्व होने का रीज़न ही यही है कि भगवान की आराधना करना, अल्लाह की इबादत करना. द कुरान शरीफ प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन हाउ मैन शुड बिहेव इन लाइफ. और कुरान शरीफ में हमें यही सीखने को मिलता है. क्या सीखने को मिलता है? कि हमारे जीवन में जो हम बिहेव करते हैं, बिहेवियर ऑफ आवर लाइफ, ये कैसा होना चाहिए, ये कुरान सिखाती है. सिंस एंशियंट टाइम्स देयर हैव बीन ट्रेड रिलेशंस. ओके, एंशियंट टाइम्स से, प्राचीन समय से ही ट्रेड रिलेशंस रह चुका है बिटवीन इंडिया एंड अरेबिया. इंडिया और अरेबिया में क्या है, ट्रेड रिलेशंस पहले से ही था. अरब ट्रेडर्स यूज टू विजिट द स्पॉट्स ऑन द कोस्ट ऑन केरला. और जो अरब ट्रेडर्स थे वो हमेशा पोर्ट्स में आते थे, कोस्ट जो कि केरला का है. इस्लाम स्प्रेड इन अरेबिया इन द 7th सेंचुरी.
और जो इस्लाम जो रिलीजन है ये अरेबिया में तब फैला 7th century में सी में। इस्लाम अराइव्ड इन इंडिया इन द सेम सेंचुरी, और इस्लाम आया कब, सेम सेंचुरी में यानी 7th century में। थ्रू द अरब ट्रेडर्स द प्रेयर हाउस ऑफ इस्लाम इज नोन एज मास्क और मस्जिद, और जो प्रेयर हाउस ऑफ इस्लाम है उसी को मास्क या मस्जिद कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ज़ोरास्ट्रियनिज्म ये एक रिलीजन है, देखो ज़ोरास्ट्रियनिज्म। सिंस एंशियंट टाइम्स ज़ोरास्ट्रियन पीपल एंड वैदिक पीपल हैव शेयर्ड टाइज। ओके, शेयर्ड टाइज द सैक्रेड टेस्ट और द पर्सी और ज़ोरास्ट्रियन पीपल इज द अवेस्ता। ओके, द लैंग्वेज ऑफ द ऋग्वेदा एंड अवेस्ता इज सिमिलर। जो अवेस्ता की जो लैंग्वेज थी या फिर ऋग्वेदा की जो लैंग्वेज थी वो सेम थी। द पर्सिस केम टू इंडिया फ्रॉम द पार्स और फास प्रोवियंस ऑफ ईरान। जो पर्सियन पीपल है, जो पारसी लोग है, वो पार्स से आए थे भारत में या फार्स प्रोवियंस से आए थे ईरान से। Therefore, they are known as Parsis, और इसी वजह से उनको Parsis कहा जाता है। It is mostly believed that they first came to Gujarat in the 8th century. ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि वो पहली दफ़ा मतलब गुजरात में आए थे 8th century CE में। And Zarathustra और Zoroaster was the founder of their religion. ये Zoroaster जो है ये क्या है, उनके धर्म का फाउंडर है। आहुर मज़दा इज़ द नेम ऑफ देयर गॉड। उनके भगवान का नाम क्या है, आहुर मज़दा। ओके, द एलिमेंट ऑफ फायर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर रिलीजन। और उनके रिलीजन में, पर्सी रिलीजन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, वाटर, फायर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर रिलीजन। द सैक्रेड फायर बर्न्स, जो पवित्र अग्नि होती है, बर्न्स द टेम्पल्स विच आर नोन एज अग्यारिस, जिसको अग्यारिस कहा जाता है। एट द कोर ऑफ पर्सी थिंकिंग आर थ्री मेन प्रिंसिपल्स, कंडक्ट नेमली गुड थाट्स एंड गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। उनमें तीन प्रिंसिपल जो बहुत महत्वपूर्ण है, कंडक्ट यानी हमारा बिहेवियर यानी हमारे जो कैरेक्टर होता है, उसके बाद गुड थॉट्स यानी अच्छे विचार, अच्छी सोच, और गुड वर्ड्स मतलब अच्छा बोलना, या गुड डीड्स अच्छा कर्म। ओके, सो दिस इज अबाउट द ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।